देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर सबसे पहले रायपुर से देखेंगे, जहां पर विधानसभा में विधायक मनोज मंजावी छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उनका चुनाव निर्विरोध हुआ है। इसके पहले उन्होंने पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया और विधायक मोहन मरकाम मौजूद रहे। इसके पहले मनोज मंजावी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की। भूपेश बघेल इस वक्त हैं और अभी नॉमिनेशन के लिए तैयार, ये तय हो गया है कि मोहन मंडावी भी आपसे? वो सर्वमंत्रित हो गया, सभी दलों ने प्रस्ताव हमें नामांकन में सभी की सहमति रही है, सभी दल के लोगों ने हस्ताक्षर किया है। अच्छा, अभी बैठक हो रही है जो कांग्रेस की, क्या बहुत महत्वपूर्ण बैठक? अभी बैठक शुरू हुई है, वो बैठक के बाद अध्यक्ष जी बताएंगे। और प्राधिकरण की बैठक भी ले रहे हैं आप? अभी प्राधिकरण बैठक है। हाँ, तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद निर्णय लिए जाएंगे। विधानसभा में सीधे गए, वहां पर जो फॉर्मेलिटीज होती है मोहन मंडावी को लेकर के, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसके बाद इस बैठक में कुछ देर के लिए शरीक हुए और अब मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। कैमरामैन रेखराज के साथ वरिष्ठ सहयोगी रूपेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश जी, जिस तरह से मंडावी का निर्विरोध चुना जाना, किस तरह से देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, चूंकि नंबर कांग्रेस के पास है, लिहाजा ये परंपरा छत्तीसगढ़ में चली आ रही है क्योंकि शासनकाल से कि डेप्यूटी स्पीकर भी विपक्ष को नहीं दिया जाता है, वो भी सत्ता पक्ष अपने पास रखती है। हालांकि जब डेप्यूटी स्पीकर का लास्ट टाइम इलेक्शन हो रहा था, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, तो तब के नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत मंत्री डीएस सिंहदेव बार बार ये कहते थे कि ठीक है, खराब परंपरा हमारे शासनकाल में शुरू हुई, लेकिन इसको कब तक जारी रखेंगे। बार बार दुहाई देते थे लोकतांत्रिक परंपराओं की, लेकिन कांग्रेस के साथ दरअसल वही चीज है जो भाजपा के साथ थी कि भाजपा ने जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो खुद अपने पास रखा, उसी तरीके से कांग्रेस ने अपने पास रखा। महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि दरअसल ये कांग्रेस का संकट भी है, क्योंकि कांग्रेस के पास 69 विधायक हैं और ये वो विधायक हैं जहां जिनको अलग अलग जगहों पर एडजस्ट करना है, क्योंकि मंत्री सिर्फ 13 ही बनाए जा सकते हैं। इसलिए माना ये जा रहा था कि कांग्रेस का ही डेप्यूटी स्पीकर होगा और आज नॉमिनेशन फाइल किया, इसमें जो विपक्ष की ओर से धर्मजीत सिंह जो जेसीसी के सदन में लीडर हैं वो भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी सहमति दी, अपनी ओर से प्रस्ताव दिया, तो कुल मिलाकर के ये निर्विरोध चुनाव लड़ना तय है। जी बिल्कुल। साथ ही रूपेश जी, कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक हो रही है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यह है कि जल्दी से जल्दी जो वार्ड के प्रत्याशी हैं उन नामों की घोषणा की जाए और इसी के मद्देनजर सभी जिले की जो बैठक हो रही है, जिले के पदाधिकारियों को जो उनके अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर यानी कि कल 12 बजे दोपहर तक एक्सक्लूसिव जानकारी है, किसी भी कीमत पर बैठक हो जानी चाहिए और ये अंतिम बैठक होगी। अंतिम बैठक का मतलब ये है कि इसमें सिंगल नाम तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद ये लिस्ट जो है सीधे पीसीसी को भेज दी जाएगी और पीसीसी के स्तर पर इस पर विचार होगा जो चुनाव समिति है। तो कुल मिलाकर के कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कल काम कांग्रेस करने जा रही है कि सभी जो नाम है वो करीब करीब कांग्रेस के पास पहुंच जाएंगे, जो स्टेट लीडरशिप है, कि कौन से उसमें से सिलेक्ट करने हैं। अगर यहाँ से कुछ नाम जोड़ने घटाने हैं तो वो काम कांग्रेस करेगी, विचार करेगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये इसी हफ्ते यानी कि अगला जो हफ्ता है उस हफ्ते में कांग्रेस अपने नामों का ऐलान कर देगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।